सो हे गाइस, हाउ आर यू? आई बी फाइन। तो गाइस, मेरा नाम अमृत शायद, आपको स्वागत करते हैं हर बार की तरह इस बार भी अपने चैनल टेक्निकल गोल में। तो गाइस, पहले जो बात करने वाले स्नैक्स वीडियोस कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में। कम्युनिटी गाइडलाइंस दो तरह से होते हैं, एक जर्नल लाइफ में होते हैं वो आपको पता ही होगा, और एक फिजिकल लाइफ में होता है। तो गाइस, मैं आज फाइनली बात करने वाला हूँ कम्युनिटी गाइडलाइंस स्नैक्स वीडियोस कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में। और हर एप्स का एक कम्युनिटी गाइडलाइंस होता है। ज़्यादातर अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस को देखा जाए, बहुत ज़्यादा जो कम्युनिटी गाइडलाइंस मिलते हैं वो होते हैं शॉर्ट वीडियोज शेयरिंग प्लेटफॉर्म से मिलते हैं ज़्यादातर कम्युनिटी गाइडलाइंस। तो उन्हीं में से एक मतलब शॉर्ट वीडियोस प्लेटफॉर्म है स्नैक्स वीडियोस ऐप, तो उसके कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या है इसके बारे में बात करने वाले। चलिए जानते हैं पहले कि आखिर कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, हर एप्स का अलग अलग कम्युनिटी गाइडलाइंस होते हैं। ज़्यादातर अगर वीडियोज़ के कम्युनिटी गाइडलाइंस होते हैं तो वो मैक्सिमम सेम ही होते हैं। तो देखिए, कम्युनिटी गाइडलाइंस वो होते हैं जो एक ऐप अपनी गाइडलाइंस बताते हैं कि आप इस एप्स को अगर यूज़ कर रहे हैं तो उस पर आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं, ना ही आप उस पर इस तरह का वीडियोज़ अपलोड करते हैं, ना ही आप इस तरह के काम इस पर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके गाइडलाइंस को अनफॉलो कर देते हैं, उसके अगेंस्ट जाते हैं, तो उसके तहत से आपको एक गाइडलाइंस मिल जाते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक्स, जिससे आपका वीडियोज़ डिलीट कर दिया जाता है और आपको मैक्सिमम 3 टाइम्स दिया जाते हैं। अगर आप 3 टाइम्स में ये गलती कर रहे हैं, उसके गाइडलाइंस को अनफॉलो कर रहे हैं, आप वही वीडियोज़ बना रहे हैं जो उसके गाइडलाइंस के अगेंस्ट आपको नोटिफिकेशन बार बार आए, फिर भी आप उसको अपलोड कर रहे हैं, तो आपको तीन बार तो आएगा तो आपको माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन चौथी बार अगर 25 बार आता है तो आपके अकाउंट्स को या तो ब्लॉक कर दीजिएगा, या तो अकाउंट को बैन कर दीजिएगा, या तो आपको सस्पेंड कर दीजिएगा कुछ दिनों के लिए। तो वो होते हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक्स जो आपको एक ऐप्स की तरफ से मिलते हैं। वो हर ऐप्स की होते हैं अलग अलग कम्युनिटी गाइडलाइंस, लेकिन जो वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म होते हैं उनके लिए कुछ अलग होते हैं, जो ऑल मतलब मैक्सिमम बात की जाए तो सेम होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर स्नैक्स वीडियोस के कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक्स जो है, और आखिर इसके कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है इसको यूज़ करने के लिए क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। स्नैक वीडियोज़ को यूज़ करना इम्पॉर्टेंस है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंस की बात की जाए तो उसके कम्युनिटी गाइडलाइंस को समझना इम्पॉर्टेंस है। चाहे आप किसी भी चीज़ को यूज़ करते हो तो उसके भी गाइडलाइंस होते हैं। अगर कोई ऐसा सामान मांगते हैं किसी से तो बोलता है कि भाई ये मतलब ये शर्त है, अगर आप टूटता है तो आपको बनाना होगा, वैसे गाइडलाइंस होते हैं। तो ऐप्स का भी अलग अलग गाइडलाइंस होते हैं, लेकिन जो शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके मतलब मैक्सिमम 5 जो होते हैं वो मेन भी होते हैं और सेम भी होते हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस। पहला अगर बात की जाए तो ब्लडिंग से रिलेटेड, मतलब आपके फेस पर ब्लड नहीं होना चाहिए, आपके पर किसी तरह का ब्लड नहीं निकाल के वीडियोस बनाना होगा। ना ही नाइफ्स का यूज़ करके आप वीडियोस बना सकते हैं, और ना ही गन का यूज़ करके आप वीडियोस बना सकते हैं, और ना ही सेक्सुअल वीडियोस बना सकते हैं, और ना ही आप मतलब सुसाइड्स जैसे वीडियोस को बना सकते हैं, वहाँ पर रिकमेंड नहीं कर सकते, ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होता है। तो आप अगर ऐसा वीडियोस बनाते हैं तो आपका वीडियोस को तो डिलीट कर दिया जाता है परमानेंटली, और साथ में आपको स्ट्राइक्स भी आ जाते हैं, मतलब कि सॉरी मतलब आपके गलती से अगर हुआ है, ये 3 बार आते हैं ऐसे कि आपको माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन अगर 4थी बार 5वीं बार करते हैं तो आपके अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, फिर बैन कर दिया जाता है, फिर सस्पेंड कर दिया जाता है, फिर उसके मतलब हिसाब से जो किस तरह के गाइडलाइंस है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग से आपको देख करके आपके अकाउंट्स को इस तरह से मतलब पनिशमेंट मिल जाते हैं। सो गाइस, मैक्सिमम होते हैं बैन हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। तो आप इस गाइडलाइंस को जरूर ध्यान में रखें, लेकिन फिर भी अगर गाइडलाइंस को ज़्यादातर पढ़ना चाहते हैं स्नैक वीडियो गाइडलाइंस को, तो उस अगर मैं पढ़ूँ तो पता चलेगा मतलब एक फिल्म बन जाएगी उस गाइडलाइंस को पढ़ते वक्त, क्योंकि बहुत बहुत लंबा गाइडलाइंस है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कितना लंबा गाइडलाइंस है। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ना बहुत आसान है। सिंपली आप जो स्नैक्स वीडियोज़ है उसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद में मी में जाना है, मी में जाने के बाद आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिला, सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद टर्म्स ऑफ कंडीशंस में जाना है, उसके बाद उसमें जाने के बाद जो कि फिर अगर टर्म्स ऑफ कंडीशंस, टर्म्स ऑफ यूजर्स उसमें जाना है, उसको कम्युनिटी गाइडलाइंस मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके कम्युनिटी गाइडलाइंस को पढ़ सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि कम्युनिटी गाइडलाइंस कैसे चेक किया जाता है, और कम्युनिटी गाइडलाइंस कैसे देखा जाता है, और किसी भी वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसके मैक्सिमम कम्युनिटी गाइडलाइंस जो कितने होते हैं मैक्सिमम तरह। सो गाइस, अगर आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और गाइस चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब साथ में कर दे, और गाइस बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टेक्निकल से रिलेटेड सभी को नया वीडियो दे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत और सबसे पहले मिले। और गाइस, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया होगा तो वीडियोज़ को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दे, अगर वो स्नैक्स वीडियोज़ यूज़ करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।
गुड बाय।